Dolly, मुझे अवतार सर ने मुझे अभी अभी सैटरडे के पार्टी के बारे में बताया, तुम एक्साइटेड हो ना? हाँ, हर लड़की का ख्वाब जो होता है कि वो अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ एक बिजली पार्टी करे। बिजली पार्टी नहीं डॉली, हाई वोल्टेज पार्टी, इतना कमाल का नाम है ना। अच्छा डॉली, मैं सोच रहा था कि अपनी मामी जी को भी साथ ले आऊं। एक तो मैं उनके घर पे रहता हूँ, वो इतना ख्याल रखती है मेरा, उनके लिए भी थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि अगर तुम सिर्फ अपनी मामी जी के साथ पार्टी करना चाहो ना, तो मैं तुम्हारे लिए बलिदान देने को तैयार हूँ। वाह डॉली, तुम कितनी फनी हो। हाँ हाँ पता है। एक्चुअली मेरी मामी जी तुमसे और तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहती है, उसके बाद वो रिपोर्ट मम्मी को भेजेंगे और ये हमारे रिश्ते के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम रिश्ते में है। अब वो तो मामी जी की रिपोर्ट पर डिपेंड करता है। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ, इतना प्रेशर नहीं है। एक्चुअली काफी प्रेशर है। आपको क्या चाहिए? ओए, you're not asking me to be coming inside, है? शायद मुझे आपको अंदर बुलाना चाहिए। आखिर आप मेरी गर्लफ्रेंड की दादी जो, और आप मेरी दुश्मन भी हो, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। ओए, listening to I, I coming here to be telling you that my dear darling पोती रिया कल रात तेरे साथ मूवी सीन के लिए not coming। क्यों? और बिकॉज़ उसके पेरेंट्स उसको कुछ दिनों के लिए taking to Shimla। क्या? मैंने ऑलरेडी फैंटेसी फाइटर्स की टिकट खरीद ली, अब मैं कैसे जाऊं? ओए, और वो तो तू अभी भी जा सकता है, आई खुद ही तुझे पिकिंग अप एंड टेकिंग यू टू द मूवी। आप मेरे लिए कुछ अच्छा क्यों करोगे? ओए, ऑफ कोर्स मैं उस लड़के के लिए डेफिनेटली डूइंग अच्छा जो मुझे फैंटास्टिक फाइटर्स की मूवी दिखाने के लिए ले जा रहा है। क्या मैं आपको कोई मूवी दिखाने नहीं ले जा रहा? यू गिव आइडियाज टिकट, आई गिव अ लिफ्ट। पर आप फैंटास्टिक फाइटर्स क्यों देखना चाहती हो? ओए, यू नॉट टू बी नोइंग, व्हेन आई वाज समथिंग लाइक लिटिल गर्ल ना, तो मैं तब से फैंटास्टिक फाइटर्स के कॉमिक्स पढ़ रही हूं, और मेरे पास तो इसकी फर्स्ट कॉपी भी है जिसमें पहली बार ये शब्द लिखे गए थे, और उस दिन चार सुपर हीरोज ने डटकर मिलकर बुराई का सामना किया और फैंटास्टिक फाइटर्स का जन्म हुआ। मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ। ओए, आई एम नॉट ओनली योर चकचकी रोली आंटी, आई एम हैविंग लेयर्स लाइक ओनियन। ठीक है, आप मेरे साथ मूवी के लिए आ सकती हैं, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। और क्या शर्तें हैं? पहली शर्त, थिएटर पहुंचते ही आप अपनी टिकट किसी और के साथ एक्सचेंज कर लोगी, ताकि हमें साथ में ना बैठना पड़े। ओए, वो तो मैं पहले ही करने वाली थी, हु टू बी लाइकिंग टू बी सिटिंग विद यू भैया। दूसरी शर्त, जाते और आते वक्त हम एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और दैट टू आई कैन स्टार्ट फ्रॉम अभी से। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक हाई वोल्टेज पार्टी में जाने वाली हूँ। बिजली की आर्टिस्ट की सड़ी हुई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है डॉली। माँ, आप तो बहुत सारे ऐसे पार्टीज में गई हो ना, तो बताओ ना कि मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। मुझे तो कुछ भी याद नहीं, क्योंकि जब भी मैं ऐसी पार्टीज में जाती हूँ ना, मैं अपना स्विच ऑफ बटन ऑन कर लेती हूँ। स्विच ऑफ बटन, वो क्या होता है? ये मैंने तब इन्वेंट किया था जब मैं हॉस्पिटल में उस शालिनी के साथ काम करती थी। शालिनी मेरी बॉस, याद है ना तुझे? सच्ची मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है मिसेस हिमानी सिंह, आधा घंटा पहले मैंने ये सलाइन बॉटल्स मेरे पास मंगवाई थी। क्यों? ना मुझे आपकी नौकरी करनी है और ना ही सड़ी हुई शक्ल देखनी है। मुझे मेन गेट तक छोड़ दो, बाय मजदूरों, लगे रहो लगे रहो। वो शालिनी कितनी सड़ियल थी। माँ, मुझे अभी भी आपका ये स्विच ऑफ बटन का फंडा समझ में नहीं आया। अरे शालिनी की बातों को बर्दाश्त करने के लिए मैंने ये स्विच ऑफ बटन बनाया था। मैं जब भी ये बटन ऑन करती हूँ ना, मेरा दिमाग खाली हो जाता है, मैं अपनी ही दुनिया में गुम हो जाती हूँ। तुम समझ लो कि मैं हूँ भी और नहीं भी। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। माँ, आप
ठीक तो हो ना? कितना मजा आ रहा है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब मुझे डरा रही हूँ माँ। मैं कितनी देर के लिए स्विच ऑफ मोड में थी? कमाल है माँ, तो आप ये पापा के बोरिंग बिजली पार्टीज के लिए यूज करती हो? हाँ, या फिर जब भी बोरियत हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि जब तुम्हारी बुआ माँ आती है, या फिर जब कामनी आंटी बात करने लगती है, या फिर जब मैं तुम बच्चों के स्कूल टैलेंट शोज में तुम्हारे नहीं बाकी सबके। फोन रख यार, तू इतना महंगा। पापा आप इतने टेंशन में क्यों? पार्टी की इतनी सारी तैयारियां करनी है कि दिमाग में शॉर्ट सर्किट होने वाला है। पापा ये बिजली वाले जोक्स है ना, आप पार्टी के लिए बचा के रखिए। पार्टी के लिए तो मैंने अलग जोक्स प्लान किए, सुनेगा? नहीं, नहीं। वैसे पापा आपने पार्टी के लिए कौन सा केटर चूज किया है? अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, दो तीन कोटेशंस आई हैं। वैसे अगर मैं आपको एक ऐसे केटरर का नाम बताऊं जो आपके लिए मुफ्त में खाना बनाए तो? क्या बात कर रहा है, कहाँ है वो? वो यही है पापा। अच्छा, कहाँ? इधर है पापा, मैं। अच्छा तू। देखिए पापा, मुझे केटरिंग कॉलेज से एक असाइनमेंट मिला है जहाँ मुझे लोगों के लिए खाना बनाना है और उनका फीडबैक लेना है। तो अगर मैं आपके लिए केटरिंग करूं, आपका खाना मुफ्त में बन जाएगा और मेरा असाइनमेंट भी हो जाएगा। और तू इसके पैसे बिल्कुल नहीं लेगा? सिर्फ मैदा मलाई जैसी चीजों के लिए, बाकी कुछ नहीं। अरे वाह, शाबाश रोहन। कभी कभी तेरा दिमाग बहुत कमाल के आइडिया सोचता है। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती? लेकिन थैंक्स। बाकी कैटरर्स कोई जरूरत नहीं।